दिल्ली में चाट वाले तो काफी हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे चाट वाले को जानते हैं जो अपनी चाट के लिए दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं? और इतना ही नहीं, इन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज स्ट्रीट फूड में भी फीचर किया गया है। मिलिए दालचंद से। दिल्ली के ऐसे चाट वाले से मिलने आई हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कितनी मुश्किलें देखी, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के सपोर्ट और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से वो आज यहाँ है, जहाँ दिल्ली ही नहीं उन्हें बल्कि पूरा वर्ल्ड अपनी चटपटी चाट के लिए जानता है। सो कम एंड लेट्स मीट हिम। मैं मंगला के स्टॉल में चाट लगाता हूँ। चाट का नाम है मंगला, चाट वाले के नाम से। तो कैसे चलती चली आ रही है, हम लोग जो है जो दादाजी ने किया, फिर पापा ने किया, अब हम लोग कर रहे हैं, एक परंपरा सी बन गई है। कहते हैं कि इनके पिताजी के हाथ की चाट की बात ही अलग थी, जो दालचंद या उनके भाई के हाथ में नहीं थी। इनके पिताजी पहले दरियागंज के डिलाइट सिनेमा के बाहर रेडी लगाया करते थे और पूरा परिवार उनकी चाट बनाने में मदद करता था, इसलिए ये खुद को चाट परिवार कहते हैं। हालात कुछ कभी कभार ऐसे हो जाते कि आदमी जो है कुछ कर नहीं पाता। तो मुझे बहुत ज़्यादा पापा की डेथ हो गई, मतलब फिर भाई की डेथ हो गई, तो मुझे अपने आप को एक अजीब सा महसूस होता था, मैं क्यों क्या करूँगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ दालचंद के पिताजी बीमार रहने लग गए और उन्होंने अपना चाट का सारा काम अपने बड़े बेटे को सौंप दिया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं पाया और एट लास्ट उनकी दुकान बंद हो गई। कुछ टाइम बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई और उनका घर बिखर सा गया, और यही समय था जब दालचंद ने सोचा कि उन्हें अपने परिवार को पहले जैसा एक करना है और चाट का काम भी चलाना है। मैं तो पूरी फैमिली करती है, मम्मी है, भाई मतलब भाई है, बहन है, जो भी मतलब बच्चे हैं, मेरी वाइफ है। मेरी मम्मी मुझे आज भी सिखाती हैं कि मेरी मम्मी कहती हैं आज ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही करने, क्योंकि मम्मी को मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। किसी ने सही कहा है, मुश्किल वक्त में सिर्फ परिवार ही साथ देता है। दालचंद की बहन ने उन्हें बिना बताए अपनी ज्वेलरी बेच दी और पैसे ला कर दालचंद को दे दिए ताकि वो काम चला सके। इसी के साथ साथ इनके बड़े भाई भी खुद इनके पास वापस आ गए और इन दोनों ने मिलकर चाट की दुकान फिर से शुरू की, जिसका नाम रखा सोहन लाल दालचंद मंगला चाट भंडार। यही टाइम था जब दालचंद ने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना। मैंने जब यहाँ पर आया तो पहली बार मुझे ना मैंने 45 रुपीज की मदद करी, मैंने 45 रुपये की सेल की थी। जब मैंने सामने मंगला स्टोर पर लगाया तो 45 रुपये की थी, तो मैंने कि मैं सोच रहा भगवान में कैसे होगा, मैं इतने भी 45 रुपये हुए। जब फिर से दालचंद जी और उनके परिवार ने चाट का काम शुरू किया तो उन्होंने अपने फादर की सिर्फ एक बात याद रखी कि पैसों के पीछे मत भागो और अपने टेस्ट और अपने मसालों पर काम करो, और बस उसके बाद उन्हें कौन रोक सकता था। उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया, वो अक्सर ये कहते कि आप पैसा चाहे कमाओ या मत कमाओ, पैसे को हम कमाते, पैसा हमें नहीं कमा सकता, आपने टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। वो कस्टमर को ज़्यादा अहमियत देते थे, ताले अपने हाथ से कूटते थे, अपने हाथ से ही सब कुछ करते। आज के टाइम में मसाले मतलब इतना हम लोग करते हैं, लेकिन उनके बनाने का स्टाइल कुछ अलग ही था। मैं देसी लगाता हूँ और अपनी अब मैंने कई चीज़ें इसमें चेंज की है, तो लोग उसको टेस्ट आता है लोगों को। इंडियन आर्मी के लिए फ्री सेवा मेरे मन में काफ़ी सालों से थी, मैं चाहता था कि मैं इंडियन आर्मी के लिए फ्री रखूँ, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा रहता था मैं नहीं कर पाता, लेकिन अब तो मैंने ठान लिया था कि मैं ये ज़रूर करूँगा। फिर मैंने बैनर लगाया कि इंडियन आर्मी के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं चाहता हूँ ये कारवा बन जाए, जैसे आज मैंने किया है, तो ये हर दुकान पर नज़र आए, हर दुकानदार हर कोई यही सोचे हाँ भाई हमें भी ऐसा करना है। आज दालचंद की कहने को तो सिर्फ दिल्ली में एक ही शॉप है, मयूर विहार फेज 1 में, लेकिन उन्हें अलग अलग कंट्रीज से फेस्ट और इवेंट्स के लिए इनवाइट आते हैं, और ये इंडिया का सबसे टेस्टी और अंडररेटेड स्ट्रीट फूड आलू चाट वहां गर्व से प्रेजेंट करते हैं।
एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत मिला सिंगापुर से। तो सिंगापुर में जो वहाँ के हालात, जहाँ के वहाँ पर काम करते हुए देख के ना, मुझे लगा हाँ हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। लोगों ने बहुत तारीफ करी थी सिंगापुर में भी, फिलीपींस में भी। मैं इंटरव्यू लेते थे मेरा, लेकिन मुझे हिंदी आती थी, मतलब मैं बोल नहीं पाता था, तो मैं ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देता क्योंकि मैं बोलता बहुत कम, मुझे बात करने नहीं आती। 5 दिन चला फिलीपींस में, तो हमारा इंडिया का नंबर 1 था चार्ट का स्टॉल। इतने वक्त सारे नेट पे सब लोग देख देख कर आ रहे थे कि इंडिया की ऐसी क्या चीज़ है, नंबर 1 चल रही है। तो लोगों ने नंबर 1 देख के ना टिक्की खाई। लोग आलू नहीं कहने आता वहाँ पर, पटाटो कहते, लेकिन वो सब आलू टिक्की बोल रहे थे। तो दालचंद जी की कहानी तो हम सबने सुन ली, अब ट्राई करते हैं कि वर्ल्ड फेमस आलू टिक्की और आलू चाट। चाट तो मैंने कई जगह की खाई है और ये सच है कि दिल्ली के स्ट्रीट फूड का कोई मुकाबला नहीं है। और रही बात इनकी चाट की, वेरी चटपटी, मसाले अच्छे हैं, चटनी काफी टेस्टी है एंड क्रिस्पी बहुत है इनकी टिक्की, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड यहाँ पर आप आलू टिक्की और आलू चाट के अलावा गोलगप्पे और भल्ले पापड़ी भी खा सकते हैं। 10 ईयर्स हो गए अप्रोक्सीमेटली यहाँ आते थे और लॉन्ग टाइम से इनके आलू चाट ही खाने आते हैं, वो स्पेशल वही है यहाँ की। मुझे इनकी आलू टिक्की इसलिए पसंद है क्योंकि ये क्रंची होती है और ये दाल की फिलिंग करते हैं। मैं देखो, मैं चांदनी चौक से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरे वहाँ का सबसे फेमस होता है फूड, बट यहाँ पे से जब से खाया तो मैं यही खाता हूँ। दालचंद जी की चाट में बात तो है, लेकिन उसके साथ ही वो काफी सुलझे हुए और हम्बल इंसान भी है। आई थिंक इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए, और स्पेशली हमारे स्ट्रीट फूड को। एंड आई थिंक दिस इज द हाई टाइम दैट द वर्ल्ड शुड नो अबाउट देयर एंड ऑफ एंड ऑन दैट नोट, like watching this video, then don't forget to like, share and subscribe to Dilli. This is Sonakshi Kalra, we'll see you soon.